नमस्कार सभी को, मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल में आप सबका। अभी हम सब विद्यालय में स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं और 1 से 9 अप्रैल तक हमें चहक अभिभावक अभिमुखीकरण पर कार्य करना था। 10 तारीख से हमें प्रॉपर गतिविधियों का संचालन करते हुए जो कैलेंडर गतिविधियाँ हमें 12 सप्ताह की उपलब्ध कराई गई हैं उस पर कार्य करना है। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम सप्ताह की जो गतिविधियां हैं उनका संचालन करके किस तरह से हम अपने रजिस्टर को मेंटेन करेंगे उसी पे ये पूरा वीडियो आधारित है और बहुत ही सहायक होगा। किस तरह से देखिए, हमने ये बनाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। स्कूल रेडिनेस बालवाटिका सप्ताह एक चहक, ज़्यादातर लोगों को इससे सहजता होती है कि चहक कार्यक्रम, लेकिन चहक उसका एक फेज़ है, वो पूरा कार्यक्रम स्कूल रेडिनेस है। और दिनांक यहाँ पे 10/4/2023 से 12/4/2023 तक, सप्ताह एक। 10 तारीख से ही गतिविधियाँ शुरू होंगी कैलेंडर की, आप लोग स्पष्ट इसको समझ लीजिए। और जो समय सारणी टाइम टेबल हमें उपलब्ध कराया गया है 3 माह का पूरा, उसी के अनुसार हमें पूरा कार्यक्रम लेकर के चलना है। तो चलिए देखते हैं इसका। देखिए, इस तरह से पूरा मेरा स्वरूप है। आज आपको ये वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए 10, 11 और 12 तारीख का पूरा कार्य आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। कल के वीडियो में आपको 13, 14 और 15 का कार्य हम साझा कर देंगे। तो कॉलम्स कुछ इस तरह से बनेंगे, दिन और दिनांक, मॉर्निंग सर्कल टाइम, यहाँ पे समय लिखा है 30 मिनट, स्वतंत्र खेल फिर 30 मिनट, भाषा और साक्षरता कौशल ये 30 से 35 मिनट का आपका रहेगा। उसके बाद कला संबंधी गतिविधि 30 मिनट, EVS वैज्ञानिक सोच 30 मिनट, बाहरी खेल 30 मिनट, गुड बाय सर्कल टाइम 30 मिनट। तो पूरे कॉलम हो गए आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब पूरा सत्र हमारा 7 कालांश में विभाजित होगा, जो और सारे 30-30 मिनट के होंगे। भाषा और साक्षरता हमारा 30 से 35 मिनट का हमें आयोजित करना है। और दिन और दिनांक का कॉलम आप अपने लिए यहाँ बना लीजिए, वो आपके लिए सुविधा होगी। तो सबसे पहले चलते हैं सोमवार, दिनांक 10/4/2023। मॉर्निंग सर्कल टाइम में आपको सारी चीज़ें करानी हैं। मॉर्निंग सर्कल टाइम में बच्चों को उनका स्वागत करना है, तो टॉफ़ी देकर बच्चों का स्वागत किया गया, प्रार्थना कराई गई, बच्चों के नाखून और कपड़ों की जाँच की गई, स्वच्छता जाँच करनी है। और उसके बाद एक छोटा सा स्वच्छता गीत कराया गया बच्चों को उत्साह देने के लिए भी, और कविता के माध्यम से एक सार्थक संदेश देने के लिए। उसके बाद आते हैं सोमवार को स्वतंत्र खेल की ओर। तो जो हमारे चारों कोनों बने हुए हैं, चार कोनों का हमने बालवाटिका में निर्माण किया है, उसमें ही स्वतंत्र खेल में बच्चों को सोमवार के दिवस उन्होंने किताबों के कोने की उलट पुलट की, चित्र देखे और सीधा पकड़ना कैसे होता है वो उनको स्वतंत्र छोड़ दिया गया। वो बच्चों के साथ, किताबों के साथ बच्चों ने खेल खिलवाड़ किया और उसको देखा। उसके बाद आते हैं भाषा और साक्षरता कौशल, ये 30 से 35 मिनट का होगा और सोमवार को हमें करना था। मौखिक खेल में बच्चों को मुझे पहचानो गतिविधि कराई गई, जिसमें उन्हें पशु पक्षियों की आवाज़ की पहचान करनी थी और एक मज़ेदार गतिविधि के माध्यम से उनको ये गतिविधि संपूर्ण कराएगी। उसके बाद शिक्षक द्वारा बिग बुक की कहानी पूरे हाव भाव के साथ बच्चों को सुनाई गई, जो माँ और बच्चे हमने लिया था, जो हमें बिग बुक उपलब्ध कराई गई विभाग के द्वारा। तो बच्चों को बहुत ही रोचकता के साथ, हाव भाव के साथ ये कहानी सुनाई गई। उसके बाद कला संबंधी गतिविधि में सोमवार को बच्चों से पुराने कागज को तोड़ मड़ोड़ करके गीत बनवाया गया। ये बच्चों की मांसपेशियों के विकास के लिए है, क्रम्बल कराते हुए उनको पुराने कागज़ से एक गोल गेंद बनवाई गई, जिसको जिसमें बच्चों ने बहुत रुचि से प्रतिभाग किया। उसके बाद गणित, EVS और वैज्ञानिक सोच की ओर आते हैं। बच्चों को फ़ोन के द्वारा बहुत सी आवाज़ की पहचान करानी थी हमें, तो बहुत ही साउंड निकाले गए, जैसे रेलगाड़ी का, चिड़िया का, बस का, और वो जैसे आवाज़ बज रही थी फ़ोन के अंदर, बच्चों को पहचानना था कि ये किसकी आवाज़ है।
बाहरी खेल में नमस्ते नमस्ते कराया गया, जिसको बच्चों ने बहुत मज़े और उत्साह से किया। उसके बाद गुडबाय सर्कल टाइम, उसमें बच्चों से उनका नाम पूछना था, तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी 4 लाइन की कविता बनाई थी। प्यारे बच्चे नाम बताओ, क्या खाते हो पकवान बताओ। और इस कविता के माध्यम से ही एक एक बच्चे से उसका नाम पूछा गया, उसके बाद चार्ट पेपर पर लिख करके कक्षा कक्ष में लगाया गया। तो ये हमारा मंडे का पूरा कार्य, प्रथम दिवस 10/4/2023। अब आते हैं 11 तारीख को, दिन मंगलवार। तो मॉर्निंग सर्कल टाइम आपको पूरे 7 दिवस इसी तरह से रखना है, जिसमें आपको स्वागत, प्रार्थना, स्वच्छता जांच और बातचीत का एक कॉलम लिखना है। तो मैंने पूर्वत ही रखा है इसको। अब आते हैं स्वतंत्र खेल की ओर। स्वतंत्र खेल में मंगलवार को 11 तारीख को बच्चों ने पजल्स की सहायता से आकृतियां निर्माण की, जोड़ तोड़ का खेल खेला। उनको जो भी करना था पजल्स की सहायता से उन्होंने एक खेल निर्मित किया। उसके बाद भाषा और साक्षरता कौशल में मंगलवार को बच्चों के साथ मछली जल की रानी एक स्थानीय कविता करानी थी, जिसमें मछली जल की रानी सबसे सरल और प्यारी सी कविता है, तो उसको हमने पूरे हाव भाव के साथ कराया। और बिग बुक की जो कहानी माँ और बच्चे थी उसका दोहराव किया गया, जिसमें साझा पैटर्न भी सम्मिलित था, बच्चों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया चित्रों के माध्यम से। उसके बाद आते हैं कला संबंधी गतिविधि, वो मंगलवार को बच्चों को मुक्त चित्रकारी कराई गई, उनको वाइट पेपर दे दिया गया, कलर दिया गया, उनको जो भी बनाना था उसको स्वतंत्र छोड़ दिया गया और मुक्त चित्रकारी के लिए प्रेरित किया गया। उसके बाद आते हैं गणित, ईवीएस और वैज्ञानिक सोच की ओर। इसमें मंगलवार को बच्चों को परवेशी वस्तुओं के माध्यम से छोटे बड़े की पहचान कराई गई, जो भी विद्यालय में उपलब्ध वस्तुएं हैं उनके माध्यम से ही उनको छोटे और बड़े की पहचान कराई गई। उसके बाद बाहरी खेल में हरा समंदर गोपी चंदर कराया गया बाहरी खेल, और बच्चों ने बहुत उत्साह से इसमें प्रतिभाग किया। गुडबाय सर्कल टाइम में मेरा प्यारा की शिक्षा मेरा प्यारा खेल के माध्यम से बच्चों को पसंद और नापसंद के बारे में पूछा गया कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है। अब आते हैं बुधवार को। तो जैसे हमने बताया कि मॉर्निंग सर्कल टाइम में सारी चीज़ें पूरे सप्ताहवार चलेंगी, तो उसको आप पूर्वत रख सकते हैं। उसके बाद स्वतंत्र खेल में जो हमारा नाटकी खेल का कोना बना है, उसमें बच्चों ने गुड़िया के माध्यम से नाटकी खेल में जाकर के कोने में जाकर के उन्होंने खेल खेला, और सॉफ्ट टॉय से उन्होंने अपना जो भी उनको खेलना था उन्होंने स्वतंत्र खेल में खेला। उसके बाद भाषा और साक्षरता कौशल, इसमें बच्चों ने प्यारी सी तुकांत कविता, उनको तुकांत कविता करानी थी, तो मेरा काला छाता मेरे मन को भाता बहुत ही हाव भाव के साथ और बच्चों को प्रतिभाग कराते हुए कराया गया। और उसके बाद जो उसमें तुकान शब्द आए हैं उससे बच्चों की पहचान कराई गई, तुकान शब्द कहते किसको हैं, इस पे उनसे बातचीत की गई, उनको समझाने का प्रयास किया गया। उसके बाद जो बिग बुक कहानी है उसका पठन पुनः कराया गया और बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की गई। उसके बाद कला संबंधी गतिविधि किया और आते हैं, बच्चों ने मिट्टी में विभिन्न आकृतियों का निर्माण कराया, रेत या मिट्टी में आकृतियों का निर्माण कराना था, तो बच्चों ने फील्ड में ले जा करके उनसे बहुत सी आकृतियां बनवाई। गणित, ईवीएस और वैज्ञानिक सोच में गोलाकार आकृति से बच्चों को परिचित कराना था, तो बच्चों को चूड़ी, सिक्के, रोटी, टायर आदि के माध्यम से गोलाकार वस्तुओं से परिचय कराया गया, और कविता रोटी गोल भी करानी थी, तो बच्चों को बहुत मज़ा आया ये कविता गा करके, और उन्हें गतिविधि के माध्यम से गोलाकार आकृति राउंड शेप से परिचित कराया गया। बाहरी खेल में जमीन पर रस्सी की सहायता से बच्चों को जिगजैग का खेल खिलवाया गया, जिगजैग बच्चों को बहुत मज़ा आता है, आड़ी टेढ़ी रेखाओं पर चलना। उसके बाद गुडबाय सर्कल टाइम हमारा आता है लास्ट बुधवार का,
तो सबसे अच्छा कौन लगता है बच्चों से बात करके पूछा गया, कि उनके घर में, उनके दोस्तों में या उनके जितने लोगों को भी जानते हैं उसमें उनको सबसे प्रिय, सबसे अच्छा कौन लगता है। तो ये है हमारा स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम प्रथम सप्ताह की पूरी 10, 11 और 12 की कैलेंडर गतिविधियों का रजिस्टर आप एक बार पुनः शुरुआत से देख लीजिए। और ये एक छोटा सा प्रयास है अपने कार्यों को समुचित रूप से प्रदर्शित करने का। ये मंगलवार का पूरा कार्य, और ये हमारा बुधवार का कार्य। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के साथ, और कल का वीडियो भी देखिएगा, इसके आगे का कार्य आप से हम साझा कर देंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसको हम दो पार्ट में बनाएंगे। तो आप सब अपना बहुत ध्यान रखिए, मिलते हैं फिर एक नए अच्छे कार्य के साथ। धन्यवाद।